क्या बात है। ओ भाई साहब सही है यार, कसम से बहुत सही गेम। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल जी, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज परम, आई एम हरमन, आई एम मंजू। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। सो गाइस, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना है मुझे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसका आंसर क्वेश्चन है कि हम तीनों कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, कहाँ से हैं हम, ठीक है। हमने इसका आंसर ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में दिया हुआ है, तो देखते हैं अभी आपको कितना पता है हमारे बारे में, है ना। तो आप इसका आंसर ज़रूर दीजिए, ठीक है। जिसका भी सही आंसर होगा उसका मैं नेक्स्ट जो कल वीडियो 10 बजे मैं रिलीज़ करूँगा, वो वीडियो में उस बंदे का नाम, उसका आंसर, जो भी आंसर होगा आपके आंसर के साथ आप कुछ भी, अगर कुछ भी बोलना चाहते हो, ठीक है, वो बताइए। आपका वो यहाँ पे पढ़ा जाएगा और आपका नाम भी यहाँ पे शो होगा। एंड आपका असली नाम बताना, ठीक है, आपका नाम अच्छे से लेंगे हम, ठीक है जी। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, भाई पहले तू हंस ले या तो, ठीक है, या तो मुझे बोलने दो या तो तुम हंस लो, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ऑलरेडी हमें लेट हो रहा है, वीडियो जल्दी जल्दी यूट्यूब पे आनी चाहिए, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा रुकिए, हंसिए मत, हाँ जी। तो गाइज़, जैसे कि आपको पता है कि एवरीडे हम एक वीडियो 8 बजे अपलोड करते हैं और एक वीडियो 10 बजे अपलोड करते हैं, ठीक है। आज से यही होगा, आज से एवरीडे सेम चीज़ होगी, कभी भी वीडियो मिस नहीं करेंगे हम। बाई चांस अगर मिस हो गई तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, बट हम कभी मिस होने ही नहीं देंगे अभी, ठीक है जी। ओके, तो जो क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था उसका आंसर आपको कल 10 बजे की वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है जी। ओके, आप क्वेश्चंस पूछिए, मस्त एकदम अच्छे से क्वेश्चंस पूछो। और आई होप आपने 53 एपिसोड की वीडियो जो 8 बजे हमने अपलोड की थी वो आपने देख ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले वो देखिए, फिर इसको देखिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। और आज तो भाई बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज सरदार, जो कोई सरदार है का मतलब दावेदार है, वो पता चलेगा कि कौन अपनी दावेदारी दे रहा है। सुलेमान शाह ने जैसे वो पार्टी चल रही थी गुंदोगदू की, वहाँ पे बोला था, तो देखने वाला सीन है कि एर्तुगरुल जाएंगे कि नहीं। गुंदोगदू तो आएगा ही आएगा फॉर श्योर, और उसका सपोर्ट में क्या नाम है उसका, कुर्तोगलू रहेगा, है ना। तो तुर्गुत के साथ क्या होगा वो भी देखना है। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि तुर्गुत को उसने नशे की दवाई दे दी है कुर्तोगलू ने, तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि आगे क्या होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर रिएक्शन वीडियो। ये वो है ना कि डॉक्टर है, डॉक्टर साहिबा, बट इन्होंने पैसे खाए हैं डॉक्टर साहिबा ने। उठ गई साथ यहाँ है, क्या छुपा रही है मुझसे? ऐसा क्या हुआ है कि आप नजरें नहीं मिला पा रही है मुझसे? हुआ क्या है आपको नहीं बता सकती मैं ये बात? क्या क्यों नहीं बता सकती? अच्छी है यार ये गोचे। टोपी में मारे ना, अरे क्या बात है। इनके खड़ने का स्टाइल देखा, वो बेल्ट अपनी बेल्ट के अंदर ऐसे हाथ डालना पड़ा था, एक नंबर। जब से तुम हलीमा एक सही निगाह पहचानती है रब को। सही बात है। और सच्चा सिपाही अपनी निगाह बुलंद रखता है। अगर इसके बाद भी आपको मेरे बारे में कोई शक है तो मैं वाजे कर दूं। मैं वही पुराना अर्तुगरुल जो ना अपने बाबा और ना अपने भाई के सामने खड़ा होगा कभी। मगर मेरे लिए ये शक ना होगा कि सरदारी की भीख बाबू है। अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो अर्तुगरुल। इसको क्या हो गया? हमजा को हमजा जबान और आंखों का सही इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होता है। कहने के चाहते गाय कबीले का सरदार अपनी जबान और ताकत से सरदारी करता है। मुझे सरदारी चाहिए होती तो खुद कहना। अपनी लालची बीवी और चचा के झूठे दावों की बुनियाद पर कबीले का सुकून बर्बाद न करता। सही बात है। हम कितना इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं ना ये कसम से। ऐसे मैं बहुत मुश्किल से खुद को रोक के बैठा था कि नहीं देखना है यूट्यूब पे खुद से या यहीं पे देखना है। बमसी है शायद से बता दिया उसको। पास हो गए होगी। ऑफ कोर्स। चलो जल्दी से गरम गरम सूप पी लो, फायदा होगा। आफ्टर ऑल से मेरी शादी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक कह रही हूँ ना मैं? क्या ये सब ढोंग रचाया आपने? सही बात है। एक सरदार की बीवी बनने के लिए जो हमारे बाबा हासिल न कर सके वो सब हासिल करने के लिए। ये तुम क्या कह रही हो गोक्षे? आप चले जाइए यहाँ से। इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है? मैं तो आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। और चले जाइए। क्या कह रही हो दादा? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि क्या कह रही हूँ। आपको अपनी बहन कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। हाथ मत लगाए मुझे। चली जाना आप यहाँ से। अच्छा हुआ। बहुत खूब। तभी समझेगी, तभी सुधरेगी। सुधरने वाली नहीं इतने जल्दी। अपनी बहन को तक परेशान करके रखते हैं इसमें। अर्तुगरुल हलीमा आता है। हलीमा आपकी घोड़ी सुल्ताना आपकी सवारी के लिए तैयार है। क्या बात है। वाह, साथ में जाएंगे जाने ड्राइव पर। लॉन्ग ड्राइव ऑन हॉर्स। क्या जाने के बाद बाबा से बात करूंगा, मजीद ताखिर नहीं करूंगा। और बाबा ने अगर वसीयत पर इसरार किया तो फिर मैं तुम्हें और यकीत को लेकर दूर चला जाऊंगा, ये कबीला छोड़कर। आप सोचिए अच्छी तरह अर्तुगरुल, कबीला छोड़ने के बाद अगर आप पछताए तो क्या करूंगी मैं? मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगा हलीमा? आपसे इस कबीले की बहुत सी उम्मीदें वापस नहीं, याद रखिएगा। और आप इस कबीले के मुस्तकबिल के सरदार हैं अर्तुगरुल। सही बात है। बाबा का फैसला मान लेना चाहिए आपको। ये तुम क्या कह रही हो हलीमा सुल्तान? सच तो आखिर यही है अर्तुगरुल, सब जानते हैं, लेकिन कोई कुछ इसलिए नहीं कहता क्योंकि डरते हैं जुबान खोलने से सब। और तुम्हारा दिल क्या कहता है हलीमा सुल्तान? दिल तो वही कहता है जो आप कह रहे हैं, यहाँ से दूर कहीं और जाकर बस जाए। अगर आप कबीला छोड़ना भी चाहें तो भी कबीला आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप काय कबीले की तकदीर है और काय कबीला आपकी तकदीर है। सही बात है। बहुत कुछ किया है तुमने काय कबीले के लिए। प्लानिंग चालू है ना ये सब की। वोट अपील कर रहे शायद सबके पास जाके गुंडोगदू। ओहो बमसी भाई गुंडोगदू Süleyman Shah. Namaz pढ़ियो. कल वाला सीन मतलब अभी जब सुबह होगी तो देखने वाला है कि क्या होगा. सलजन इसको टेंशन में पड़ी है कल की क्या होगा. क्यों ये नाटक कर रहे थे? और ये मौका सुलेमान शाह के खिलाफ खड़ा हो गई। बट एर्तुगरुल तो कभी खड़ा नहीं हुआ है, होता है। साथ ही इतना समझदार हो तो कितनी अच्छी बात है, और सलजान जैसा हो तो बंदा खड्डे में गिर जाता है। से लड़ा रहा है बेशरम, बट उसका बेटा भी तो कमाल कर रहा है, उसको अक्ल नहीं है क्या कर रहा है। सुलेमान शाह सरदार आ गए हैं खेमे में, अब सबकी बैंड बजाएंगे। सही बात है। हर फर्द जिरगे में अपनी आजादाना राय का हक रखता है, इसलिए नए सरदार के इंतखाब तक मैं अपनी सरदारी से दस्तबरदार होता हूँ। अरे बाप रे, सुलेमान शाह वहाँ पे जाके बैठ गया। कुछ तो कोई आया नहीं ना अभी तक। सलजान, इसको लग रहा है इसका पति सरदार बन जाएगा। बोला नहीं, वो खुद ही बोल दिया। सच्चाई सामने आएगी अभी, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई साहब। अरे बाप भाई बहुत मजा आया कसम। कौन देगा भाई का साथ, कोई नहीं देगा। सुलेमान शाह के सामने कौन इसको कोई पूछेगा। बेइज्जती हो गई, इज्जत चली गई बेचारी। सलजान का क्या होगा भाई, उसकी चेहरा देखने वाला है सलजान का, अभी देखना है मुझे। ये था हमारा रिएक्शन ऑन डिलीस एर्तुगरुल सीज़न 1 एपिसोड नंबर 54। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था, बहुत मज़ा आया देख के, क्योंकि इसमें जैसे कि आपने देखा कि जो गुंदोगदू है वो बात से पलट गया, और जो कुर्तोगलू का पूरा जो भी उसने प्लान बनाया था उसका मिट्टी पलीत हो गई। वो जैसे वो है ना एक बंदा यूट्यूब पे बड़ा फेमस हुआ था, ओ भाई मारो मुझे मारो, वैसा वाला सीन हो गया ना। बड़ा मज़ा आया कसम से, बहुत सही लगा। लास्ट में तो मतलब शॉक हो गया कि सुलेमान शाह और गुंदोगदू दोनों मिलके उन्होंने प्लान बनाया था ये, और कुर्तोगलू का सच सामने लाने के लिए जो भी वो प्लान में जो खुद उसने जाल बनाया था वो खुद ही अपने जाल में फंस गया। तो बड़ा मज़ा आया देख के, बहुत अच्छा एपिसोड था ये। और नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाला है कि सलजान के साथ क्या होगा, है ना, सलजान का रिएक्शन क्या होगा ये चीज़ पे, वो भी देखना है। और वो छिपकली उसको क्या बोलेगा, क्योंकि वो छिपकली ने इसको बोला था, अपना छिपकली मतलब पेट्रोसियो ने इसको बोला था कुर्तोगलू को कि अभी तुमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए ये वो। तो देखना अभी क्या होने वाला है, तो बहुत मज़ा आएगा। एग्जैक्टली। रुको क्या हो, हाँ, कुर्तोगलू के बंदे मतलब बमसी कुर्तोगलू के बंदे पे चढ़ गया था, मारने पे गया था, दोगान भी था उनके साथ, एंड हलीमे एंड एर्तुगरुल दोनों ड्राइव पे गए, मतलब ड्राइव मतलब हॉर्स राइडिंग पे गए हुए थे। एंड फिर वो आए, फिर एर्तुगरुल ने सब कुछ मामला शांत कर दिया कि तुम लोग क्या भाई से भाई लड़ रहे हो। एंड वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सीन था जब बमसी बहुत गुस्से में था वो भी। रुको बेटा। हाँ अब बोलो। यस एंड गोकचे एंड सलजान में भी मतलब तू मैं हो गई, मतलब झगड़ा हो गया। गोकचे बोल रही थी कि मुझे आपका चेहरा नहीं देखना, आप मेरे नज़रों से चले जाओ। हाँ। क्योंकि उसको पता चल गया गोकचे को कि वो कुछ बदला लेने वाली है। एंड ये अच्छा हुआ, गोकचे भी सुधरेगी एंड अभी सलजान से दूर रहेगी। वो भी देखने की आगे क्या होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा था। गुंदोगदू ने मतलब पूरा सीन पलट गया। हाँ। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने पूरे, बहुत मज़ा आया। सो गाइस सच में बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड आपका क्वेश्चन का जो हमने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देना मत भूलिएगा, हम कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।